Hey guys, welcome back to the Techno Programming Channel. So, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स अर्थमेटिक के बारे में. तो पॉइंटर अर्थमेटिक काम कैसे करते हैं, राइट? तो हम ये समझते हैं. तो जनरली पॉइंटर अर्थमेटिक का यूज कहाँ पर होता है? जब हम एरे को ट्रैवर्स करते हैं, यानी जब भी हमें एरे के अंदर या कोई एलिमेंट डालना होता है या फिर उससे कोई एलिमेंट रिसीव करना होता है या प्रिंट करना होता है, तब हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं. ठीक, तो पॉइंटर्स का यूज हम एरे को एक्सेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको इंडेक्स के बिना आपको यूज करना है एरे, तो पॉइंटर्स के वैसे बहुत ज्यादा फायदे हैं. ठीक, आप फंक्शन आउट ऑफ द फंक्शन भी आप एरे की जो वैल्यूज को है चेंज कर सकते हो, राइट, जो कॉल बाय वैल्यू से नहीं होती. ठीक, अब देखिए इसको कैसे करना है. अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस माय न्यू अपडेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पॉइंटर अर्थमेटिक का काम कैसे करती है, उससे पहले समझना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पॉइंटर्स अर्थमेटिक का. ठीक, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन अ पॉइंटर बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ एन एरे. ठीक, जब भी हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे किसी भी एरे के ऊपर या किसी भी मेमोरी लोकेशन के ऊपर, तो क्या होता है, वो हमेशा उसके डेटा टाइप के ऊपर बेस्ड रहता है, राइट? अगर इंटीजर एरे है तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट ने चार चार बाइट्स की जगह घेरी होगी, क्योंकि एक एलिमेंट मतलब इंटीजर जो है हमेशा चार बाइट लेता है एक इंटीजर. तो यानी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो हर एक एलिमेंट चार चार बाइट एरे के अंदर घेर के बैठा होगा. जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इंडेक्स नंबर 0 चार बाइट्स घिर के बैठा हुआ 1000 से लेके 1003 तक. ठीक है, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर 1 1004 से लेके 1007 तक घिर के बैठा हुआ है. फिर इंडेक्स नंबर 2 जो है 1008 से लेके 1011 तक घिर के बैठा हुआ है, राइट? तो ऐसे ही आगे चलता रहता है. अगर यहाँ अगर डबल होता तो ये 8-8 बाइट लेके चलता. यहाँ पे हर एक ब्लॉक जो है यहाँ पे एक एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये आप इससे यही समझ सकते हैं कि यहाँ पे चार चार बाइट घेर रखी है हर एक इंडेक्स ए एलिमेंट ने. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर मान लो मुझे इंडेक्स नंबर 1 पर जाना है विद यू बाय यूजिंग पॉइंटर. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आइए समझते हैं. तो ये एक इंटीजर आ रहा है आपके सामने, हर एक इंडेक्स पे कोई ना कोई एलिमेंट स्टोर्ड है इंटीजर का, राइट? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेते हैं. ठीक, पॉइंटर ले लिया. अब पॉइंटर में क्या करना है, हमें पॉइंटर पे हमें इंडेक्स नंबर 0 का जो एड्रेस है वो हमें भेजना है. तो वो कैसे भेजते हैं, इसका सिंटेक्स ये है कि आप पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दो किससे, एड्रेस ऑफ, एड्रेस कैसे लिखते हैं, एंड की मदद से. एंड जो एरे का आइडेंटिफायर है फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर 0, राइट? तो ये होता है एरे का बेस एड्रेस हम पॉइंटर में कैसे भेजते हैं. अब जैसे हमने ये किया तो जो पॉइंटर है वो इंटीजर एरे का इंडेक्स नंबर 0 के स्टार्टिंग से पॉइंट करने बैठ गया है. अगर आप पॉइंटर को प्रिंट कराते हो स्टार यूज करके, तो वहां पे 12 प्रिंट हो जाएगा आपका, राइट? अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पॉइंटर प्लस प्लस करता हूँ, यानी पॉइंटर को प्लस वन करता हूँ. यहाँ पे क्या होता है, पॉइंटर को जब हम प्लस वन करते हैं तो एक्चुअल में ये 1000 से 1001 नहीं होता, सब यही सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. पॉइंटर्स के केस में अलग होता है. तो जब हमने यहाँ पे वन प्लस किया तो यहाँ पे वन प्लस करने का मतलब क्या है, वन क्या है, यहाँ पे वन एक सिंपल एक इंटीजर है. तो इंटीजर का कितना साइज है, 4 बाइट. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे पॉइंटर प्लस प्लस किया यानी जो इंटीजर का जो साइज है वो इसमें प्लस होगा. इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट्स. तो पॉइंटर प्लस वन का मतलब है कि पॉइंटर प्लस 4. ठीक है, असल में इंटरनली ये ऐसे काम करता है, पॉइंटर प्लस 4. यहाँ पे हम लिखते तो हम पॉइंटर प्लस प्लस, ठीक है, लेकिन इंटरनली वो क्या यूज कैसे यूज होता है, वो
उसका साइज प्लस होता है उसमें इंटीजर का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1000 को पॉइंट करना बंद कर देगा और क्या करने बैठ जाएगा, 1004 को पॉइंट करना बैठ जाएगा, ठीक, समझ रहे हो। नहीं, ऐसे हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए। फिर से हम पॉइंटर प्लस प्लस करेंगे, यानी पॉइंटर प्लस वन, तो ये फिर से क्या करेगा, उसमें चार चार बाइट्स और ऐड कर देगा, तो ये आ गया 1008 पर, ठीक है। फिर से हम प्लस प्लस करेंगे, तो पॉइंटर प्लस प्लस जैसे किया तो ये 1012 पर आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एरे के जो डिफरेंट लोकेशन है, हम ऐसे जा सकते हैं, राइट। अब आप इसका प्रोग्राम आराम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम इसका बना के दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं डेटा स्ट्रक्चर्स का जो है मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिनको भी स्ट्रक्चर और यूनियन समझना है, आप उस वाली सीरीज में आके समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।